आज की ये छोटी सी कहानी आपके अंदर आत्मविश्वास को 1000 गुना बढ़ा देगी और आप अपने जीवन में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं वो कौन सी कहानी है। एक बार एक आदमी अपने जीवन की परेशानियों और संघर्षों से परेशान होकर सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते भर वह यही सोचता रहता है कि अब क्या करूँ, क्या सब कुछ नए सिरे से शुरू करूँ या सब कुछ छोड़ दूँ, क्योंकि अब यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। वह पूरी तरह से हार चुका था। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़े से सन्यासी दिखाई देते हैं। वह उनके पास जाता है और उन्हें अपनी जीवन की कहानी सुनाने लगता है और कहता है, बाबा मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, सब कुछ किया है पर सफलता नहीं मिलती, सारी मेहनत बेकार हो जाती है, कई बार तो फिर से शुरुआत करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता, अब मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, अब मैं थक चुका हूँ, हर कोशिश कर चुका हूँ, बाबा क्या आपके पास मेरी समस्याओं का कुछ हल है। सन्यासी ने शांति से उसकी सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वो सामने बांस के जंगल देख रहे हो, उन जंगलों में बांस के अलावा पौधे भी हैं जो अभी छोटे हैं, बस यही तुम्हारी समस्याओं का हल है। आदमी ने देखा तो हैरान होकर कहा कि यह तो केवल बांस ही हैं, मेरी समस्या का हल नहीं। तब सन्यासी ने कहा, मैंने 5 साल पहले बांस और पौधे के बीजों को ज़मीन में बोया था, मैंने उनको एक जैसा खाद पानी और एक जैसी देखभाल दी थी, पौधा जल्दी बढ़ने लगा था लेकिन बांस में एक भी पत्ती नहीं आई, बांस का पौधा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और बांस के पौधे की देखभाल करता रहा। पूरे 4 साल बाद बांस का पौधा बढ़ना शुरू हुआ, मैंने देखभाल जारी रखी और 6 महीने में ही वो बांस का पौधा 100 फीट ऊंचा पेड़ बन गया। अब सन्यासी ने उस आदमी से पूछा, वो बांस का बीज 4 सालों तक ज़मीन में ऐसे ही पड़ा रहा, उसने कुछ नहीं किया, क्या वो 4 सालों तक ऐसे ही बढ़ने के लिए ज़मीन के अंदर पड़ा रहा और कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बढ़ गया। सन्यासी की बात सुनकर आदमी एकदम चौंक गया। फिर उसने कहा, बाबा इसका क्या मतलब हुआ। तब सन्यासी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने ऊंचे और बड़े पेड़ को सीधे खड़े रहने के लिए मजबूत जड़ों की ज़रूरत होती है, बांस का बीज 4 सालों तक ज़मीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि जब वो बढ़ने लगे तो सीधा बढ़े, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। अब सन्यासी ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इतने दिनों से जो मेहनत की है वो तुम्हारे जीवन के जड़ों को मजबूत करने के लिए था, तुमने इतनी मुश्किलों का सामना अपने बेस को मजबूत करने के लिए किया है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पर भी मुसीबतें आ रही हैं तो आपको हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि संघर्ष कीजिए और उनसे डरकर सब कुछ छोड़कर मत भागिए, बल्कि उनसे लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढिए, धैर्य रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। जीवन में मुश्किलें और परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन सफल लोग उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तरीके ढूंढ लेते हैं ताकि अगली बार जब मुश्किलें आएँ तो उन्हें आसानी से हरा सकें। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।